A very good morning to all of you. I, Simran Singh Gill, Assistant Professor, Agriculture Engineering from Saraswati Shikshan Sadan, welcomes you all to online classes of Saraswati Shikshan Sadan. बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो BSc एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है AENGG 211, दैट इज फार्म पावर और मशीनरी, लेक्चर नंबर 18, PPE, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इंक का है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. बच्चों, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का क्या मतलब है? प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एक एक करके करोगे तो वर्ड में पीपीई, पीपीई का मतलब है प्लांट को बचाने के लिए जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से तरीके के होते हैं. तो वो दो टाइप के होते हैं बच्चों, वो होता है एक स्प्रेयर और एक डस्टर. स्प्रेयर क्या है? जो लिक्विड चीज़ों को डाल के आप स्प्रे करते हो उनके लिए हम स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं. डस्टर्स वो होते हैं जो धुआं करने के काम आते हैं. इनके वर्किंग प्रिंसिपल क्या हैं इसके बारे में हम बात करेंगे. इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? स्प्रेयर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है बच्चों? नोजल. नोजल किस प्रकार की होती है, उनके यूज़ क्या हैं, उनके बारे में यूज़ करेंगे, बात करेंगे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ये इक्विपमेंट जो हैं इंसान यूज़ करने वाला है तो, और प्लांट के ऊपर डालना है ताकि उनके ऊपर केमिकल रिएक्शन हो सके. तो केमिकल रिएक्शन इंसान पे भी हो सकती है, तो इसके लिए जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं. इन मशीनों को सेफ्टी मेजर्स के द्वारा बनाया जाता है. अब बच्चों, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्या है? प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वह इक्विपमेंट हैं जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को प्लांट्स पे देने के लिए काम आते हैं, जो कि हमें इंसेक्ट और प्लांट डिजीज से बचाते हैं. जो भी इंसेक्ट हैं, छोटे कीटाणु हैं जैसे टिड्डी है, उनसे बचाने के काम आते हैं. और हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और प्लांट डिजीज, डिजीजेस जो होती हैं उसके लिए भी स्प्रे करना पड़ता है उन इक्विपमेंट के द्वारा, जिनको हम बोलते हैं स्प्रेयर और डस्टर. इनकी क्लासिफिकेशन करें तो ये चार तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. चार कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं? एक तो होता है मैन्युअली ऑपरेटेड स्प्रेयर एंड डस्टर, हाथ द्वारा चलाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट जिनकी जिनका एरिया कवर करना बहुत कम होता है, जो कि कितना होता है, 1 से 7 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया कवर करता है. फिर कौन सा आता है? इंजन ऑपरेटेड स्प्रेयर एंड डस्टर, इनको पीछे रख के ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इनका एरिया ज़्यादा होता है और जो प्रेशर रेंज है वो 20 से 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा प्रेशर मिल जाता है इसमें. उसके बाद में ट्रैक्टर पीटीओ सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है. ट्रैक्टर पीटीओ कितना करता है, मतलब पावर टर्न ओवर, तो मतलब कि ट्रैक्टर के द्वारा जो पावर है वो सारे की सारी स्प्रेयर और डस्टर को चले जाएगी. वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है और जो इसका प्रेशर है वो कितना है, 20 से 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बच्चों, आगे बात करते हैं एयर ऑपरेटेड स्प्रेयर एंड डस्टर. आजकल जो है एयर ऑपरेटेड स्प्रेयर एंड डस्टर का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, क्योंकि यही जो एरिया है बहुत ज़्यादा वास्ट है. जैसे कि इंडिया में एक बात करें तो इंडिया में आपने सुना होगा पिछले साल टिड्डियों का हमला हुआ था, तो टिड्डियों के हमले में हमने एरोप्लेन के द्वारा स्प्रे या धुआं करवाया था ताकि टिड्डी मर जाए. तो ये चीज़ जो करवाई गई थी तो ये इंडिया में भी शुरू हो गई है, लेकिन पहले ये फॉरेन में इस्तेमाल होती थी. अब हम बात करें कि हमारा एक अच्छा स्प्रेयर हो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए. पहली क्वालिटी यह है कि वो केमिकल यूनिफॉर्मली प्लांट के ऊपर स्प्रे करे,
मतलब जब आपने उसके द्वारा स्प्रे किया लिक्विड या इंसेक्टिसाइड, तो वो प्रॉपरली पूरे प्लांट के ऊपर हर कोने में जाए, हर जगह जाए यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब समान मात्रा में। तो इट शुड प्रोविजन टू इंक्रीज और डिक्रीज द क्वालिटी, और इसके अंदर ऐसा प्रोविजन, प्रोविजन मतलब ऐसा कोई चीज़ लगी होनी चाहिए ताकि इसकी क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा कर सकें। कहीं जगह ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा दे सके, कहीं जगह कम ज़रूरत है तो कम दे सके। तो इट शुड ब्रेक द लिक्विड इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो लिक्विड है, लिक्विड को छोटे छोटे बूंदों में कन्वर्ट करने की क्षमता जो है वो स्प्रेयर्स में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो क्या है, वो स्प्रेयर का काम नहीं कर सकता। इट शुड हैव प्रोविजन टू कंट्रोल और रेगुलेट द साइज ऑफ ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट बन रहे हैं, बूंद बन रहे हैं, उनको बड़ा या छोटा करने का प्रोविज़न भी इसमें होना चाहिए। तो ये कौन सी हैं, ये रिक्वायरमेंट है फूड स्प्रेयर्स की। आगे चलते हैं पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं स्प्रेयर के अंदर। पहला होता है पंप, पंप है तो प्लंजर है। प्लंजर का क्या मतलब है, जो उसके अंदर खींचने वाला प्लग लगा होता है जिसके द्वारा प्रेशर बनेगा। सेंट्रीफ्यूगल टाइप का भी पंप हो सकता है, मैंने ये आपको पिछले लेक्चरों में बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन सा होता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल दबाव के ऊपर अपकेंद्रित पंप वह है जो अपकेंद्रित दबाव के ऊपर या बल के ऊपर काम करता है। अपकेंद्रित बल कौन सा होता है, जब भी आप किसी चीज़ को घुमाओगे वो बाहर की ओर जाती है। रोटरी टाइप पंप में क्या होगा, वो रोटरी रोटर घुमा के काम आने वाला है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, टैंक चाहिए। टैंक कौन कौन से चाहिए हमें, तो बच्चों टैंक जो हैं जिसके मेटल टैंक चाहिए ताकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन ना हो सके, या फाइबर का चाहिए। और इसकी कैपेसिटी जो है वो 1400 से 1500 लीटर तक होनी चाहिए। कैपेसिटी मतलब उसकी क्षमता, वो है लिक्विड रखने की क्षमता कितनी होनी चाहिए, 400 से लेके 1500 तक, डिपेंड किस टाइप का आपको चाहिए। फिर सक्शन पाइप भी मैंने आपको पहले बताई थी। सक्शन पाइप वो वाली पाइप है जो खींचती है, और डिलीवरी पाइप वो आती है जहाँ से हम डिलीवर करते हैं। तो ड्रग प्लग, ड्रेन प्लग होता है जहाँ से निकालने के, कचरा वगैरह निकालने के काम आता है। एजिटेटर क्या है, वो हिलाने वाली चीज़ है जो कि जो आपका केमिकल है और लिक्विड है उसको मिक्स कर देगी। एयर चैम्बर क्या है, उसके अंदर प्रेशर बनाएगी। फिर उसके अंदर प्रेशर गेज लगा होगा जिसके द्वारा हम उसका प्रेशर नाप सकते हैं कि सही प्रेशर मिला कि नहीं मिला। उसके बाद में प्रेशर रेगुलेटर, उसका कम ज़्यादा करने वाला बटन लगा होगा। और उसके बाद में पाइप, जिसको हम डिलीवरी पाइप बोलते हैं, और रबर लगी और नोजल्स लगी होंगी। नोजल क्यों लगी होती हैं, क्योंकि हमने उस लिक्विड को ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना है। वह काम किसका है, नोजल का है। वो मेटल की बनी होती है, मोस्टली तांबे की बनी होती है। नेक्स्ट की बात करें, अब टाइप कौन कौन से हैं स्प्रेयर के। अब बच्चों सबसे पहला टाइप जो है वो है बकेट टाइप स्प्रेयर। बकेट टाइप भी दिखाऊंगा और कैप्सन टाइप भी दिखाऊंगा, जो आपने घरों में, क्यों खेतों में आम यूज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल और डबल एक्टिंग पंप, इसके अंदर सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग पंप होंगे। ये क्या है, बकेट लगी होती है जिसके अंदर लगा होता है। लो प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है, छोटे गार्डनों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लो ट्री, छोटे छोटे ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है बकेट टाइप स्प्रेयर। फिर कैप्सन स्प्रेयर, बच्चों कैप्सन स्प्रेयर की बात करें तो वो क्या है, इट कंटेन्स पंप, इसके अंदर भी पंप होता है, जो लार्ज चैम्बर 9 से 22 लीटर टैंक, मतलब 9 लीटर से लेके 22 लीटर तक क्षमता होती है। और ये ट्रीज है, बड़े ट्रीज हैं, श्रब्स हैं,
रो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर दबाव के द्वारा केमिकल छिड़कने के काम आता है। अगर मैन इसको ऑपरेट करे तो 0.4 हेक्टेयर एक दिन में कवर कर सकता है। और स्प्रेयर की बात करें कि कितना स्प्रे कर सकता है, तो 90 लीटर लिक्विड को स्प्रे कर सकता है। नेक्स्ट, दिस इज बकेट टाइप। ये बकेट टाइप का स्प्रेयर है जिसके अंदर ये देखो बच्चों, ये बकेट लगी हुई है, बकेट के साथ में नोजल लगी हुई है ऊपर, ये री नोजल, और ये पूरी रॉड है, कॉपर की रॉड है जिसके द्वारा निकल रहा है। ये कैप्सन टाइप है, बकेट टाइप दिखाया, अब कैप्सन टाइप। इसके अंदर प्रेशर क्रिएट किया जाता है और वहां से नोजल के द्वारा ड्रॉपलेट बना के बाहर निकाल दिया जाता है। देन कैन कॉम्प्रेशन स्प्रेयर। कॉम्प्रेशन स्प्रेयर का मतलब है कि दबाव के द्वारा, और दबाव संपीड़न जिसको बोला जाए, संपीड़न कॉम्प्रेशन कहाँ से मिलता है। स्प्रेयर कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स लाइक, इसके अंदर होता क्या है, पंप होता है, पंप हैंडल होता है, एयर टाइट चैम्बर होता है। मतलब एयर टाइट चैम्बर का मतलब है जिसके अंदर हवा ना जा सके, दबाव के द्वारा हम बनाएंगे। नोजल होती है, पंप इज माउंटेड इन एयर टाइट चैम्बर। इसके अंदर क्या होता है, पंप जो है वो एयर टाइट चैम्बर, एयर जो बंद चैम्बर है उसके अंदर ही होता है। प्रेशर इज डेवलप्ड बाय पंपिंग एयर इनटू द टैंक। प्रेशर का कैसे बनता है, पंपिंग हवा डाल के उसके अंदर दबाव बनाया जाता है। लेकिन ये 14 लीटर तक ही होता है। ये रहा इसका एग्जाम्पल, ऊपर से ये क्या है, कैप्सन स्प्रे ही है, ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है, पंप हैंडल है उसके द्वारा दबाव बनाया जाता है, उसके अंदर से हवा निकाल दी जाती है, वो टाइट हो जाती है, और वहाँ पे नोजल लगी है, ये कैप है जिसके द्वारा हवा को बाहर फेंका जा सकता है, ये ट्रिगर है जहाँ से हम दबा के बाहर निकाल सकते हैं। एक ये हैंड कॉम्प्रेसर है बच्चों, और ये फुट कॉम्प्रेसर है, पैर के द्वारा चलाने वाला कॉम्प्रेसर है। नेक्स्ट बात करें, ये फुट कंप्रेसर की रियल फोटो है। आगे बात करें हैंड ऑटोमाइजेशन। हैंड ऑटोमाइजेशन क्या है कि इसके अंदर भी नोजल होती है, हो सकता है प्लास्टिक की भी हो, और या नोजल जो है तांबे की भी हो सकती है। लेकिन ये छोटे एरिया को, गार्डन है एक छोटा सा घर में, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, जो आपने ज़्यादातर देखी होगी, यह आम यूज़ की जाती है। ये देखो तो बच्चों, ये भी यूज़ की जाती थी पहले, इस टाइप की यूज़ की जाती थी, अब इस टाइप की यूज़ की जाती है। अब क्या है, इंजन ऑपरेटेड स्प्रेयर। अब इंजन ऑपरेटेड स्प्रेयर या तो आदमी के पीछे लगा के चलाए जा सकते हैं इंजन के द्वारा, या पेट्रोल के द्वारा, या डीजल के द्वारा चलाए जा सकते हैं, या ट्रैक्टर के पीछे लगा के इंजन को चलाया जा सकता है। प्रेशर जो है इसमें ज़्यादा मिलेगा, इसको प्रेशर रेगुलेट करने का भी सिस्टम लगा होता है। ये पोर्टेबल है, इनको आसानी से आप लेके जा सकते हो। ये देखो, ये इंजन ऑपरेटेड है, यहाँ ये तो खुद चलेगा ऑटोमेटिकली, इसकी पाइप लंबी है, एक जगह रखा आपने, स्टेशनरी है, एक जगह रखा और वहाँ से स्प्रे कर दिया। दूसरा है इंजन ऑपरेटेड, आपके पीछे लगा दिया गया, उसके द्वारा स्प्रे कर दिया गया। और एक है इंजन ऑपरेटेड, ये भी स्प्रे करने के काम आ रहा है ऑटोमेटिकली, ये PTO पावर टर्न ओवर, ये ट्रैक्टर के पीछे वाली जो शाफ्ट है उसके साथ में लगेगा, और इससे काफ़ी लंबा एरिया कवर कर लिया जाता है। इसकी टैंकी बहुत लंबी होती है, ऑटोमेटिकली ज़्यादा एरिया कवर करने के काम आता है। नेक्स्ट इज एयरप्लेन स्प्रेयर। एयरप्लेन स्प्रेयर का क्या मतलब है, वो स्प्रेयर जो कि प्लेन के द्वारा चलते हैं, इसमें गियर पंप भी लगे हो सकते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल पंप भी लगे हो सकते हैं। ये फोर्स के द्वारा स्प्रे करते हैं, तो जो प्रेशर का रेंज है वो कितना है, 3 से लेके 8.5 kg/cm². पंप गेट्स इट्स ड्राइव फ्रॉम प्रोपेलर शाफ्ट। जो प्रोपेलर शाफ्ट किसकी है, एरोप्लेन की है, उसके द्वारा इसको पावर मिलती है। इसके अंदर एल्यूमिनियम टैंक लगा होता है जिसकी कैपेसिटी या उसकी क्षमता 450 से लेके 2200 लीटर तक हो सकती है। मतलब इतना इतना लिक्विड लेके
इधर से उधर जा सकता है। मोस्टली जो आपने सुना होगा ये टिड्डियों को स्प्रे करने के लिए इंडिया में यूज़ किया जा रहा था, और भी कई चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, बाहर यूज़ किया जाता है। इसकी फ़ोटो दिखाऊं तो ये एरोप्लेन है, इसके अंदर टैंक फिट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये स्प्रे कर रहा है। ये आपका खेत है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली स्प्रे हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा एरिया कवर करेगा, कम खर्चा होगा। जब ज़्यादा बड़ा खेत होगा तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ये ही है आज का टॉपिक। अब आपके टॉपिक्स जो हैं वो कम बच चुके हैं, तो धीरे धीरे करके हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं, और मैं ये कहता हूँ कि मैक्सिमम 3 से 4 वीक के अंदर हम अपना सिलेबस ख़त्म कर देंगे। थैंक यू, हैव ए सेफ लाइफ ड्यूरिंग कोविड 19।